नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आपको तो पता ही है कि एलजेपी में टूट हो गई है। चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं और चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस 5 सांसदों को लेकर निकल लिए हैं। जी हां, पशुपति कुमार पारस ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी के वो अध्यक्ष हैं और अब उनके नेतृत्व में पार्टी चलेगी, एलजेपी रहेगी। और इस बीच जो खबरें आ रही थी कि जेडीयू में शामिल हो जाएगी, मर्ज कर जाएगा एलजेपी, ऐसी कोई खबर नहीं है। पशुपति कुमार पारस ने साफ साफ कह दिया है कि चिराग पासवान का नेतृत्व अब पार्टी में नहीं चलेगा, पार्टी के जो 5 सांसद हैं उनके नेतृत्व में खड़े हैं। और उन्हें इसकी सूचना जो है अब ओम बिरला जो हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्हें भी दे दी गई है और चुनाव आयोग को भी पार्टी ये सूचना देने जा रही है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान, जिनकी नींद उड़ गई, अचानक चाचा ने ऐसा खेल खेला कि चिराग पासवान की रातों की नींद उड़ गई और सुबह सुबह अभी थोड़ी देर पहले ही वो अपने चाचा से मिलने पहुंचे उनके घर पर, लेकिन पूरा जिसको कहा जाए कि गेम हो गया रातों रात। चिराग पासवान शायद सो रहे होंगे उस वक्त, उनके चाचा ने ये सारा खेल रच दिया और खेल कर दिया और पार्टी उनके हाथ से निकल गई। एलजेपी जो रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी थी, उन्होंने खड़ा किया था और उनकी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे चिराग पासवान, उन पर मनमानी का आरोप लगा। उनके चाचा ने कहा कि 99% जो नेता है पार्टी के वो चिराग पासवान के खिलाफ है, नेता और तमाम जो कार्यकर्ता हैं। तो ऐसा तमाम आरोप लगाया अभी थोड़ी देर पहले पशुपति कुमार पारस ने। तो चिराग पासवान की अब तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। चिराग पासवान की नींद जब उड़ गई तो वो गाड़ी लेकर पहुंच गए चाचा के पास। जी हाँ, पशुपति कुमार पारस के घर पर। हालांकि पशुपति कुमार पारस के जब घर पर वो पहुंचे तो वहां भी बिल्कुल ड्रामा हुआ, 20 मिनट तक दरवाजा नहीं खुला। जी हाँ, आपको बता रहे हैं पूरी खबर। आपको बताएं कि बार बार चिराग पासवान चाचा के घर के गेट के आगे हॉर्न बजाते रहे लेकिन चाचा के घर का दरवाजा नहीं खुला। और उसके बाद कार का हॉर्न बजाया, दरवाजा खुला, तो चाचा के घर का जब दरवाजा 20 मिनट बाद खुला तो पशुपति कुमार पारस उन्हें मिले भी नहीं। वहां पर मौजूद थे उनके भाई जो है प्रिंस राज, तो प्रिंस राज से उन्होंने मुलाकात की है। चाचा से मिलने गए थे, गिला शिकवा दूर करने गए थे चिराग पासवान, लेकिन चाचा नहीं मिले। और पशुपति कुमार पारस ने जिस तरह से अपना गुस्सा दिखाया है, जाहिर किया है कि चिराग पासवान ने जिस तरह से पार्टी को बर्बाद कर दिया उन अपनी मनमानी की वजह से, और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एलजेपी को तोड़ा नहीं है, एलजेपी को बचाया है। साफ साफ कहना है पशुपति कुमार पारस का कि चिराग पासवान जिस तरह से अपनी मनमानी कर रहे थे उससे पार्टी का बंटाधार हो रहा था, पार्टी हाशिए पर जा रही थी, तो उन्होंने पार्टी को बचाने का काम किया है। उनके जो बड़े भाई रामविलास पासवान का सपना था, जो एलजेपी उन्होंने खड़ा किया था, उस एलजेपी को वो बचाएंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एलजेपी के बचाने के लिए, एलजेपी के अस्तित्व के लिए वो जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने भतीजे से, उन्हें चिराग पासवान से कोई गिला शिकवा नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान पार्टी के अंदर बने हुए हैं लेकिन नेतृत्व अब पशुपति कुमार पारस का ही चलेगा। तो इस बीच हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से चिराग पासवान चाचा को मनाने पहुंचे, जब उनके हाथ से पार्टी निकल गई, अपने पापा की पार्टी थी लेकिन पापा की पार्टी पर मनमानी करने का आरोप लगने लगा, तो चाचा ने सभी को लेकर जो है चिराग पासवान का बंगला छोड़ दिया। हालांकि एलजेपी अब उनके हाथ में आ गई है, उनके हाथ में कमान है, तो अब चिराग पासवान के तोते उड़ गए हैं और अब चिराग पासवान चाहते हैं चाचा से मुलाकात करना, लेकिन मुलाकात नहीं हुई है। प्रिंस राज से बात हुई है जरूर, प्रिंस राज से मुलाकात कर रहे हैं, जो हम आपको खबरें बता रहे हैं। अभी जो खबरें आ रही हैं कि जब 20 मिनट तक खड़े रहे चिराग पासवान, हॉर्न बजाते रहे लेकिन चाचा के घर का गेट नहीं खुला, जब 20 मिनट बाद जब दरवाजा खुला भी तो चाचा नहीं मिले, लेकिन चिराग पासवान के भाई जो है प्रिंस राज, चचेरे भाई हैं, दूसरे चाचा के बेटे हैं, तो उनसे बातचीत हो रही है। लेकिन अब क्या कुछ होगा, क्या सियासत ये रंग लाएगी। चिराग पासवान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर दिखा रहे हैं पशुपति कुमार पारस, लेकिन चिराग पासवान की मनमानी का उन्होंने करारा जवाब दे दिया है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।